जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, उसी प्रकार विकास और रोजगार के लिए लघु और मध्यम उद्योग, जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ निर्णय लिए हैं जो रोजगार बढ़ाने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में शामिल है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का विकास। ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने में सक्षम है। इसे सक्षम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए, सही समय पर भुगतान हो और कैश फ्लो भी सही तरीके से हो। इन्हीं बातों के आधार पर एमएसएमई मंत्रालय ने एक नई पहल की है, इससे इस क्षेत्र का विकास प्रभावी ढंग से हो सकेगा। प्रधानमंत्री देश के तमाम उद्यमी एमएसएमई उनके लिए चिंतित रहते हैं, उनके डिले पेमेंट के लिए, जिसके कारण उनके दिशा निर्देशन के कारण आज एमएसएमई विभाग एक डिजिटल पोर्टल का हम आज लॉन्च कर रहे हैं एमएसएमई समाधान के नाम से। और इसमें 45 दिन के बाद कोई भी उद्यमी, देश भर के उद्यमी घर बैठे अपने डिले पेमेंट को इस पोर्टल पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद इसे तमाम जो विभाग है, जिस विभागों में वो सप्लाई किए हैं, उस विभाग के पोर्टल पर जाएगा, वो देखेंगे, उनके कठिनाइयों को दूर करेंगे। एमएसएमई के उत्पादन में बढ़ोतरी और सही समय पर उद्यमियों को भुगतान से ही इस क्षेत्र का विकास संभव है। डिपार्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मेटेरियल ले रहे हैं, वो एश्योर करें कि वो टाइम पे पेमेंट दें और उनको कोऑपरेट करें ताकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करे। जितनी भी आउटसोर्स एजेंसीज हैं उनको पेमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो टाइमली नहीं करते हैं, जिससे कि सीधा असर स्टाफ के वेलफेयर पे पड़ता है। अगर यही पेमेंट टाइम से मिले तो बहुत वैल्यू एडिशंस किए जा सकते हैं, स्टाफ के वेलफेयर के बारे में सोचा जा सकता है। देरी से पेमेंट की समस्या को दूर करने के लिए डिलेड पेमेंट पोर्टल एमएसएमई समाधान को शुरू किया जा रहा है। ये देरी से होने वाले भुगतान का एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। कोई भी लघु उद्यमी अपने केस को सीधे पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकता है। सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर शिकायत दर्ज होने पर संबंधित अधिकारी उस मामले की छानबीन कर सकते हैं। पोर्टल में डैशबोर्ड उपलब्ध है, जिसके द्वारा राज्य की परिषद मामले की निगरानी, कार्य प्रगति और क्रियान्वयन करती है। सुनवाई की तारीख की जानकारी संबंधित पक्षों को एसएमएस अलर्ट और ईमेल के द्वारा दी जाती है। संबंधित पक्षों को ऑनलाइन नोटिस भी जारी किए जाते हैं। मंत्रालय सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को MIS रिपोर्ट दी जाती है। ये सरकार का जो पेमेंट का जो पोर्टल है, ये सरकार ने जो शुरू किया है, ये बहुत सही कदम है। ये हम सबके लिए बहुत फायदे की चीज़ है, जिससे कि हम घर बैठे अपने पेमेंट का स्टेटस पता कर सकते हैं, और इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। दिस विल हेल्प अस इन गेटिंग टाइमली पेमेंट्स एंड इम्प्रूव आवर कैश फ्लोज। नाउ आई फील द रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें कोई शक नहीं कि एमएसएमई समाधान पोर्टल खरीदारों के द्वारा भुगतान में देरी के मामलों को सार्वजनिक कर उसे सरल बनाने का एक कारगर उपाय है और एमएसएमई को सशक्त करने की दिशा में एक सफल प्रयास। एमएसएमई मंत्रालय का ये प्रयास भारत के लघु उद्योगों और उद्यमियों को समर्पित है और मेक इन इंडिया अभियान को भी सफल बनाने में एमएसएमई समाधान पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।